हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली IGIPS कॉलेज की BPED और MPED की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये BPED की फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। इसमें उन सभी स्टूडेंट्स का नाम है जिनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी वाइज, ठीक है। अनरिजर्व्ड, OBC, SC, ST और EWS सभी कैटेगरीज का नाम है इस वाली लिस्ट में। इसी तरह से एक लिस्ट आई है MPED की, ये देख सकते हैं आप लोग, ये MPED की लिस्ट है और इसमें भी उसी तरह से नाम है जनरल OBC, SC, ST और EWS, ठीक है। ये रात में लिस्ट आई थी, आते ही मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी थी, तो होपफुली आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। आज वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि भाई जिन लोगों को अभी भी नहीं पता चला, उन्हें अब पता चल गया होगा इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ YouTube से ही कनेक्टेड रहते हैं, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उन्हें अब पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये लिस्ट कल रात आ गई थी। अब आपको क्या करना है, 13 और 14 जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, BPED का ही दिखा देता हूँ, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें 13 और 14 यानी आज और कल IGIPS कॉलेज जाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के। ये डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट दिख रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के जाइएगा और वहाँ पर अपना एडमिशन कन्फर्म कराना है। फीस वगैरह का जो भी पूरा प्रोसेस है वो कॉलेज में जाकर आपको पता चल जाएगा, कैसे कैसे सबमिट करनी है आपको अपनी फीस, ठीक है। तो 14 यानी कल लास्ट डेट है, कल तक आपको पहुंच जाना है IGIPS कॉलेज और जाकर के अपनी फीस सबमिट करा देनी है, ठीक है। अपना पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करा देना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि उम्मीद थी कि मेरिट हाई जाएगी, तो बिल्कुल मेरिट बहुत हाई गई है BPED की भी और MPED की भी। तो जिन लोगों का इसमें नाम नहीं आ पाया वो वेट करें, हो सकता है सेकेंड लिस्ट में उनका नाम आए, और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करके देखें कि भाई कितनी पॉसिबिलिटीज आपकी हो रही हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे से कमेंट से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई देने की।